एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर को 100 करोड़ का नुकसान होने के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें इस फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। इस बात को लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है। एक तो कोरोना की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। पिछले दिनों राजमौली ने इसके प्रमोशन पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन रिलीज टलते ही ये सब पैसे बर्बाद हो गए। इसके अलावा फिल्म के टिकट के लिए लोगों ने जो एडवांस बुकिंग कराई थी, उसके 10 करोड़ रुपए भी राजमौली को वापस करने पड़े हैं। अब इस बीच एक और विवाद ने राजमौली की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में एक छात्र ने याचिका दायर की है। इस याचिका में छात्र का कहना है कि इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिल्म में दो स्वतंत्रता सेनानियों को गलत तरह से पेश किया गया है, इसलिए किसी भी हालत में इस फिल्म को सेंसर से पास ना किया जाए। जज ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे चीफ जस्टिस की बेंच में भेज दिया है, जिस वजह से यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इस फिल्म में रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल में है। पहले ही कई लोग कह चुके हैं कि बॉलीवुड स्टार साउथ इंडियन सिनेमा के लिए पनौती है। उनके आते ही साउथ इंडियन की फिल्में फ्लॉप हो रही है। अब इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला लेगा, अब इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस फिल्म ने वाकई में राजमौली को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है।